आप देख रहे हैं बोलो जिंदगी, मैं प्रीतम कुमार आज आया हूँ माँ ब्लड सेंटर। सबसे पहले मुकेश भैया आपको प्रणाम, आपका स्वागत और आपको एक ग्रैंड सैल्यूट बोलो जिंदगी की ओर से। आपने जो सपना देखा था आज वो साकार हुआ है, माँ ब्लड बैंक पटना में खुल गया है, पटना का बिहार का पहला नॉन कॉमर्शियल ब्लड बैंक। भैया दो शब्द पहले, हम लोग सिर्फ प्रतीकात्मक है, ये प्रतीकात्मक एक चेहरा है, इसके पीछे उन सभी लोगों का डेडिकेशन है, हर लोगों का ये हर लोगों की ये सोच थी कि इस तरह का एक कैंप होना चाहिए, एक ब्लड बैंक होना चाहिए और आज वही फलीभूत हुआ है, अक्षरशः वही साबित हुआ है और माँ ब्लड सेंटर के रूप में ये पटना में स्थापित हुआ है। आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, सुशील मोदी जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी भी यहाँ पहुंचे, उन्होंने भी बहुत तारीफ की ब्लड बैंक का। और जिस तरह से मतलब संसाधनों की बात की जाए, काफी उच्च दर्जे के संसाधन, जितने भी हाई टेक्निक जो मशीनरी है वो भी यहाँ पहुंच गई है, कितना कारगर रहेगा ये मतलब ब्लड के दिशा में? देखिए हम लोग का प्रयास था कि अगर हम लोग देर से शुरू करें, एक दुरुस्त व्यवस्था है और समाज के सहयोग से, हर लोगों के सहयोग से, लोगों ने तन मन धन से सहयोग से इस जगह को परचेज खरीदने में, मशीनरी लाने में, सब लोगों ने दिल खोल के पैसा दिया है और उसके बदौलत ये मतलब मानवता का मंदिर आज समाज को समर्पित कर दिया गया है। आज मुकेश जी आपसे प्रश्न ही कहेंगे, क्योंकि आज से नहीं कई वर्षों से लगातार आप ब्लड के लिए जो है जाने और ब्लड मैन के नाम से जाने जाते हैं, ये जो सपना था ये साकार हुआ, कुछ दो लाइन उस वक्त के बारे में जब आपने शुरुआत किया और सुबह से यहाँ तक। देखिए हम लोग ने कभी भी नहीं सोचा था कि हम लोग को ब्लड बैंक बनाना है। जब थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के दर्द को बहुत शिद्दत से महसूस किया, जब उनके पीड़ित परिवारों से जब हम लोग मिलते थे, जब उनकी माताएं रोती थी, तो हम लोग को लगता था कि हम लोग चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग सैकड़ों यूनिट ब्लड सरकार को देते थे और ब्लड बैंक में जमा करते थे, लेकिन जब भी इन बच्चों को जरूरत होती थी तो कई मौके पे नहीं मिल पाता था और हम लोग का हाथ बंद जाता था। तो हम लोगों ने एक शुरुआत करने का प्रयास किया कि हम लोग एक ऐसी व्यवस्था के तहत शुरुआत करें कि जिससे हम इन बच्चों की सेवा कर पाए। और ये पूरी टीम है, चेहरा प्रतीकात्मक है, फिर से आपको बताते हैं, ये पूरी टीम की सोच थी और उन सभी लोगों की सोच थी जो रक्तदान निस्वार्थ भाव से करते हैं और जो एक टीम के माध्यम से करते हैं, उन सभी की सोच है, जो एक प्रतीकात्मक चेहरा मेरा है, माता ने माध्यम बनाया हम लोगों को, और ये पूरे समाज की सोच थी जिसको आज ईश्वर ने अक्षरशः ग्राउंड लेवल पर उतार दिया। और जैसा कि हमने आज कुछ अजीबोगरीब किस्सा देखा कि एक ब्लड डोनेशन में जो ये माँ ब्लड सेंटर है, इसके उद्घाटन के समारोह में माननीय स्वास्थ्य मंत्री आए थे, वो उन्होंने खुद भी ब्लड दिया। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी नहीं, अशोक चौधरी जी ने, भवन निर्माण मंत्री श्री अशोक चौधरी जी ने ब्लड डोनेट किया है। अशोक चौधरी जी ने बताया और माननीय मुख्यमंत्री जी आज इतना खुश होके गए हैं कि 2017 में, 18 में, 19 में और 2021 में जो लोक संवाद के माध्यम से हम लोगों ने सुझाव दिया था, जिसमें बिहार सरकार कार्य कर रही थी, वो सरकार ने आज मतलब उन्होंने उस चीज को यहाँ महसूस किया कि सरकारी लेवल के साथ साथ प्राइवेट लेवल पे चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पे भी इस तरह का एक ब्लड बैंक खड़ा किया गया है, जो निश्चित उन्होंने बुरी बुरी प्रशंसा की और हम लोगों का दिल से उत्साह वर्धन किया। चलिए आपके आपसे बात करेंगे तो बात बहुत लंबी जाएगी और ये है कि आपसे बहुत लंबा बात हम करेंगे, लेकिन आज के लिए तो आप व्यस्त भी हैं, इसलिए आज आपको हम छोड़ रहे हैं, आपसे विदा लेते हैं और बहुत ही मतलब शुभकामनाएं देते हैं हम पूरे बिहार और माता रानी की कृपा, ऐसे ही बना रहेंगे ब्लड बैंक और दिन पर दिन मंजिली इमारतें बढ़े और सुविधाएं भी बढ़े, और आपको बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। बोलो जिंदगी के सभी दर्शकों को ये बता देना चाहते हैं कि जब मुहिम अपने शुरुआती दौर में थी, राकेश जी, प्रीतम जी, सब लोग लगातार हम लोग के संपर्क में रहते थे, जब लोग किसी जरूरतमंद को हम लोग एक मैसेज इनको देते थे कि आपके माध्यम से जरूरत पूरा होती थी, हम लोग का उत्साहवर्धन होता था। आज ब्लड माँ ब्लड सेंटर जो समाज को समर्पित किया गया, कहीं ना कहीं बोलो जिंदगी की एक मुहिम जो चल रही थी उसके जरिए भी उसका भी सहयोग इस मंदिर में लगा है, और हम निश्चित रूप से बोल सकते हैं आप सभी भाइयों के सहयोग से ये आहुति से इस ब्लड बैंक की शुरुआत हुई है। आने वाला कल इस तरह के कई और ब्लड बैंक देखने को मिलेंगे बिहार में, और पीड़ित मानवता की सेवा में निसंदेह ईश्वर की कृपा से, आप लोगों की कृपा से ये वरदान साबित होने की उम्मीद है।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और गुरुजन की फाउंडेशन लगातार आपका सहयोग करेगा, आप मार्गदर्शक बने रहे, गुरुजन की फाउंडेशन जितना ज्यादा हो सकेगा आपका सहयोग, इस समिति का मां प्रबंधन सेंटर का सहयोग निरंतर करता रहेगा। बहुत धन्यवाद।